पिछले कई दशकों से नेवादा के मिलिट्री एयरबेस एरिया 51 को एक अलग ही नजरिए से देखा जा रहा है। कई रिसर्चर्स ये दावा करते हैं कि एलियंस और उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी को एरिया 51 में सीक्रेट तरीके से छुपाया जा रहा है, और आज हम ये जानने वाले हैं कि इन रिसर्चर्स की बातों में कितनी सच्चाई है और इनमें ऐसा क्या रहस्य है। एरिया 51 यूएस एयरफोर्स आर्मी का एयरबेस है। ये रेक्टेंगुलर एयरबेस 10 किलोमीटर वाइड और 16 किलोमीटर लंबा है। कई लोग एरिया 51 में या उसके आसपास अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओस देखने का दावा करते हैं, और यही नहीं कई बुक्स और टीवी शो में भी इस बात को रखा गया है कि एरिया 51 में कुछ मिस्टीरियस काम हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को पूरी तरह से नकारते हैं। इस सब की शुरुआत 1947 से हुई, जब रूसवेल में एक यूएफओ क्रैश हुआ जिसमें एलियंस भी सवार थे। ये खबर पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से फैली। जैसे जैसे ये खबर पूरी दुनिया में फैली, वैसे ही अमेरिका ने एरिया 51 को रिस्ट्रिक्टेड जोन बना दिया, जहां अनऑथराइज्ड लोगों को जाना अलाउड नहीं था। इसलिए इसके अंदर की मिस्ट्री के बारे में किसी को भी पता नहीं चला। पर सच कब तक छुपेगा, एक ना एक दिन तो वो सामने आ ही जाता है। कई साइंटिस्ट ने रिवील किया कि वो एरिया 51 की सीक्रेट मिशन में काम कर चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ एलियंस और उनके यूएफओस पर रिसर्च की जा रही है। ये सीक्रेट रिवील करने वाले साइंटिस्ट के नाम है बॉब लेजार और बॉयड बुशमैन। बॉब लेजार, इन्होंने मई 1989 में एक इंटरव्यू में क्लेम किया कि वो एरिया 51 में एक फ्लाइंग सॉसर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने इस फ्लाइंग सॉसर को डिस्क्राइब करने के लिए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वर्ड का इस्तेमाल किया। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब जो अर्थ के बाहर का है। उन्होंने बताया कि इसमें जो मेटल यूज हुआ है वो बिल्कुल स्टेनलेस स्टील जैसा है। उन्होंने ये भी बताया कि उस फ्लाइंग सॉसर में एक केमिकल एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 115 है, वो उसमें फ्यूल की तरह यूज होता है, और ये एलिमेंट ग्रेविटी वेव जनरेट करता था जिससे वो फ्लाइंग सॉसर उड़ता था, और ये फ्लाइंग सॉसर को इनविजिबल भी बना देता था। लेकिन 1980s में तो कोई ऐसा एलिमेंट था ही नहीं जिसका एटॉमिक नंबर 115 था। ऐसा एलिमेंट पहली बार 2003 में सिंथेसाइज हुआ था, और बाद में इसका नाम मॉस्कोवियम रखा गया। तो फिर ये 1989 में कहां से आया? क्या बॉब लेजार झूठ बोल रहे थे, या फिर ये एलिमेंट एलियंस अपने साथ अपने प्लैनेट से लाए थे? ऐसा ही कुछ बॉयड बुशमैन ने भी बताया। मरने से पहले उन्होंने ये सब एक वीडियो के जरिए रिवील किया, और उस वीडियो में उन्होंने ये बताया कि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीजों पर काम करते थे। उन्होंने कहा कि वो एंटी ग्रेविटी यूएफओ और एलियंस प्रोजेक्ट पर काम करते थे। इस वीडियो में उन्होंने ये कहा कि वो एलियन के साथ मिलकर काम करते थे, और एलियंस उनसे बात करने के लिए टेलीपैथी का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने उन एलियंस की फोटो भी दिखाई, पर लोगों को लगा कि वो ये सब इंटरनेट में अट्रैक्शन पाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो एलियंस की फोटो दिखाई थी वैसा ही एलियन प्लास्टिक टॉय वॉलमार्ट से खरीदा जा सकता था। जब लोगों ने उस एलियन फोटोज को देखा तो लोग बोलने लगे, अरे ये तो उस एलियन प्लास्टिक टॉय की फोटो है। लोगों ने उस फोटो वाली बात को झुठला दिया, पर कुछ लोग इस बात पर अभी भी विश्वास करते हैं। और भी बहुत सारे वीडियो सामने आए, पर उनकी वीडियो क्वालिटी इतनी खराब है कि उन्हें देखकर कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। इतने सारे सबूतों को देखने के बाद एरिया 51 में एलियंस के अस्तित्व को झुठला पाना बहुत मुश्किल था, पर इस बात को ऑफिशियली डिसमिस कर दिया गया। जब वियतनाम वॉर के बाद एरिया 51 की पहली बार फोटोज ली गई, तब अमेरिका ने रिवील कर दिया कि एरिया 51 में एलियन प्रोजेक्ट पर काम नहीं हो रहा, यहाँ तो सिर्फ नए नए फाइटर प्लेन्स बनाए और टेस्ट किए जाते थे। इन प्लेन्स की टेक्नोलॉजी को कई सालों तक सीक्रेट रखा गया ताकि कोई इसकी टेक्नोलॉजी को चुरा ना पाए। और एरिया 51 में यूएफओ साइटिंग की बात करें तो वो यही प्लेन्स हैं जिन्हें लोगों ने यूएफओ समझ लिया। इनकी डिजाइन इतनी कॉम्प्लेक्स और एडवांस है कि लोग इन्हें यूएफओ समझ लेते हैं। ये प्लेन्स इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि रेडार और सैटेलाइट में भी डिटेक्ट नहीं होते, और इन बातों ने लोगों के अंदर यूएफओ के विश्वास को और भी पक्का कर दिया। लेकिन ये एयर फाइटर प्लेन्स ही हैं, वो यूएफओ नहीं। यहाँ तक कि बॉब लेजार और बॉयड बुशमैन की बातों को भी झुठला दिया गया। एरिया 51 अब भी रिस्ट्रिक्टेड जोन है, क्योंकि वहां सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन्स की टेस्टिंग की जाती है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी। दिस वीडियो वॉज रिक्वेस्टेड बाय तनिष्क। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना, और आपके दिमाग में कोई ऐसा टॉपिक हो तो कमेंट में सजेशन जरूर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। मिलेंगे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।